हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिस तरह से रेस्टोरेंट में क्रिस्पी कॉर्न मिलते हैं या आपने बारबेक्यू में कहीं पे खाए होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी जो कॉर्न रहते हैं बस उसी तरीके से मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। आपने अगर घर में कभी ट्राई किए होंगे तो आपके साथ वो क्रिस्पी, वो क्रंचीपन वो कॉर्न में नहीं आता है। तो हम यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे आपके कॉर्न बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या कहो बारबेक्यू स्टाइल जैसे आपके कॉर्न घर पर ही बनकर रेडी होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर कॉर्न को बॉईल करना होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ पर स्वीट कॉर्न या अमेरिकन कॉर्न ही लेने हैं, देसी कॉर्न हमको यहाँ पर नहीं लेने हैं। तो हमने यहाँ पर ये 3 बाउल भरकर यहाँ पर ये कॉर्न लिए हैं और मैंने 3 बाउल भरकर ही यहाँ पर पानी लिया है। अब इन कॉर्न को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो लगभग हमारे यहाँ पर 5 से 10 मिनट में ये कॉर्न बॉईल होकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस बंद कर लेंगे। फ्रेंड्स आप कॉर्न को कुकर में बॉईल मत कीजिएगा, कढ़ाई में ही बॉईल कीजिएगा, ये जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। जो रेस्टोरेंट और जो बाहर मार्केट में मॉल में आप कहीं पे भी खाते हो वो कुकर में बॉईल नहीं करते हैं, उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए आप कढ़ाई में ही बॉईल कीजिएगा, ये जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये कॉर्न बॉईल हो चुके हैं और आप देखिए ये कॉर्न कितने अच्छे से फूल चुके हैं। तो हमको यहाँ पर इस स्टेज पर ही, जब हमारे कॉर्न अच्छे से फूल जाते हैं उस स्टेज पर ही हमको यहाँ पर गैस बंद करनी है। अब इन कॉर्न में जो ये हमारा पानी है, एक्स्ट्रा पानी, उनको हम निकाल देंगे। एक छलनी रखेंगे और छलनी से सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न को छलनी में डाल दिया था और सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल दिया है। देखिए हमारे स्वीट कॉर्न में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्वीट कॉर्न बॉईल किए थे, मैंने टोटल 3 कप बॉईल किए थे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कप का ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। 1 कप की मैं चाट बनाऊँगी जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्रिस्पी कॉर्न बनाएंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर ये 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप यहाँ पर अरारोट का पाउडर भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पर टोटल 3 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं और 1 चम्मच मैं यहाँ पर ये चावल का आटा ले रही हूँ। चावल का आटा डालने से हमारे कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। जो हमारा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये चावल का आटा है, जिसको रेस्टोरेंट वाले भी मिलाते हैं, जिससे इनके कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी वो चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपके कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। जो जो टिप्स मैं आपसे बताऊंगी उसी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा, से आपके ये कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल बारबेक्यू जैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक एक दानों पर अच्छे से हमारा ये फ्लोर अच्छे से पूरा कोट हो चुका है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पूरे अच्छे से हमारे कॉर्न फ्लोर में ये कोट होने चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप उसकी जगह मैदा भी ले सकते हो, बट चावल के आटे से थोड़े से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ पानी की इस तरह से बूंदे डालेंगे, हमको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल 1 चम्मच जितना, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि हमको आइडिया लगे कि हमको कितना पानी चाहिए। तो हमको बिल्कुल 1-2 छोटी चम्मच जितना ही पानी यहाँ पर चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारे स्वीट कॉर्न कोट होने चाहिए। अब देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपसे थोड़ा सा फ्लोर कम गिरा हो तो अब भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो और पानी उस अकॉर्डिंग डाल सकते हो ताकि हमारे अच्छे से आटा और कॉर्न पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए और आटा इन पे अच्छे से कोट हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो आपके कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इनको 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे।
तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप एक बार इनको इस तरह से हिला दीजिएगा। तो हमने एक साइड हमारा ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, अब हम तलेंगे। तो तलते टाइम भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए मैं आपको तलकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, हम ये एक दाना डालेंगे। ये डालने पर जिस तरह से ये बबल्स आ जाते हैं, बस हमको यहाँ पर उतना ही टेम्परेचर में ऑयल चाहिए। अब हम यहाँ पर ये जो हमने दाने रखे थे, जो हमने स्वीट कॉर्न रखे हैं, उनको धीरे धीरे हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है। इस तरह से हिलाते हुए इनको तलिएगा, नहीं तो क्या होता है कॉर्न फूटते हैं। जिस तरह से हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, इस तरह से ये कॉर्न भी फूटने लग जाते हैं, तो इसके छींटे उड़ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इस टिप्स का भी ध्यान रखते हुए आप इनको तलिएगा। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपके दाने फूटने लग जाते हैं, तो आप इस तरह से हल्का सा कवर कर लीजिएगा, ताकि जब वो फूटे तो आपको उसके छींटे नहीं उड़े। हमको इनको धीरे धीरे अच्छे से क्रिस्पी होने देना है। और फ्रेंड्स अगर आप ढक के नहीं करना चाहते हो, तो इस तरह से आप ये जाली को भी कवर करके रख सकते हो, और जब भी तलो तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, ताकि इसके छींटे आपको नहीं उड़े। और मेरे बताए हुए तरीके से आप करोगे तो आपका एक भी दाना फूटेगा नहीं। फ्रेंड्स आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी इन कॉर्न को तलो तो बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं तलो। लो फ्लेम पे अगर आप तलोगे तो हमारे जो कॉर्न हैं वो सोगे हो जाएंगे, ऑयली हो जाएंगे, इसलिए उनकी गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना। इनको तलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप जल्दी नहीं लीजिएगा। अगर आप जल्दी ले लोगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हमने जब डाले थे तो कॉर्न सारे नीचे बैठे हुए थे, अब देखिए ये सारे ऊपर तलकर आ रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी कॉर्न बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। पूरी देखिए तलने के बाद इनका कलर भी कितना गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो इस तरह से आप जब भी जाली हिलाओगे तो आपको ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा फील होगा, और हल्के हल्के से भी लगेंगे। मैं आपको यहाँ पर पास से दिखाती हूँ तलने के बाद कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर दिख रहा है इसमें, और कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितने हमारे कॉर्न क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये तलने के बाद कितने यम्मी दिख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कॉर्न कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, इसकी आवाज़ से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमारे कॉर्न कितने क्रिस्पी हुए हैं। तब हम इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच रेगुलर नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर चाहो तो कुछ वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, जैसे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया, हरा मिर्च, इस तरह से भी आप इस क्रिस्पी कॉर्न में ऐड कर सकते हो। बट मुझे ये ऐसे प्लेन ही अच्छा लगता है, तो मैं इसमें कोई भी वेजिटेबल नहीं मिलाऊंगी। तो हमारा ये क्रिस्पी कॉर्न बनकर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और फ्रेंड्स जब भी आप सर्व करोगे तब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा, सर्व करते टाइम ही नींबू का रस ऐड कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड जाएगा तो ये हमारे कॉर्न क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये क्रिस्पी कॉर्न ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके ये क्रिस्पी कॉर्न कैसे बने। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरा वीडियो अगर YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook और Insta पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।